कर दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार डिवोर्स हो चुका है इस समय, जो कि अर्जुन शादी के लिए तैयार हैं, क्योंकि अर्जुन शादी कर रहे हैं प्रीता से, लेकिन प्रीता ने ऋषभ के साथ में डिवोर्स ले लिया है। इधर बात की जाए तो अर्जुन बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं कि प्रीता से कैसे मुझे बदला लेना है और ऋषभ से मुझे कैसे बदला लेना है, क्योंकि ऋषभ और प्रीता से बदला लेने के लिए ही वो कई चीज़ को मिश्रण करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बात की जाए तो अब जो कि राखी माँ को भी पता लग गया है कि ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरा करण ही है, लेकिन हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई हो, क्योंकि प्रीता और सभी घर वालों को अब ये लगता हुआ नजर आएगा कि अर्जुन की याददाश्त चली गई थी। नहीं तो ये अगर याददाश्त नहीं गई हुई होती तो ये सब कुछ पहचान ना लेता, क्योंकि अब सभी लोगों को यही लग रहा है कि इसको याददाश्त जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, आने वाली कहानी में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बोलती हुई नजर आने वाली है सृष्टि, वो भी अर्जुन से, कि अर्जुन तुम मेरी दीदी से क्यों शादी करना चाहते हो, जिसके बाद में अर्जुन का जवाब बहुत ही स्ट्रेट तरीका से देगा। अर्जुन बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं तुम्हारी दीदी से इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ ऋषभ के पास है वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, मैं ऋषभ से हर वो चीज़ छीन लूँगा जो चीज़ ऋषभ डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि ऋषभ से इस समय अर्जुन बहुत ज़्यादा खट्टा खाए हुए है और वो फाइनली कई चीज़ों में मात भी देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अर्जुन की बात की जाए तो अर्जुन ने अंजलि से बोल दिया है कि अंजलि तुम्हें मेरा साथ देना है तो प्लीज़ इस युद्ध में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई मेरी जो कि ऋषभ और प्रीता के खिलाफ है। अर्जुन ने साफ साफ अपना ओपन चैलेंज दे डाला है, क्योंकि अर्जुन तो अपनी कई चीज़ों को भूला नहीं है और वो ऋषभ और प्रीता को तुनका तुनका की तरह तड़पाना चाहता है। साथ ही दोस्तों, पृथ्वी एक बार फिर से नया सीन क्रिएट करता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।